तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे एग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी, आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टैरिफ के बारे में। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है, ये हमने जो टॉपिक हम तैयार करा रहे हैं वो सीए इंटरमीडिएट की बुक से करा रहे हैं, इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। तो इसमें जो लेसन है वो लेसन नंबर 4 इंटरमीडिएट ट्रेड है, और यूनिट 2 है ट्रेड पॉलिसी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो उसमें टॉपिक दिया हुआ है टैरिफ। टैरिफ के पिछली वीडियो में हमने टैरिफ को समझा था, जिसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ के बारे में बहुत डिटेल में आपको करवाया था, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ टैरिफ। तो बच्चों, एक बार मैं आपको इफेक्ट ऑफ टैरिफ बताने से पहले, क्योंकि आपकी बुक में तो डायग्राम बनाया नहीं है, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं कि इस तरीके से टैरिफ जो है वो काम करता है। उसके बाद हम इसके इफेक्ट के बारे में डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल, सब बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, यहां पर हमने प्राइस लिखा है कमोडिटी का, और यहां पर हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं, और थोड़ी सी सुविधा के लिए हम मान रहे हैं कि एक ही गुड्स है। जब एक गुड्स है तो ये इसकी डिमांड है, गुड्स की जो डिमांड है वो ये वाली है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मान लीजिए ये डिमांड है, ठीक है, और ये सप्लाई है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों हम। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। सिंपल समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये जो प्राइस है मार्केट में 100 रुपीज़ डिसाइड होती है, और 100 यूनिट जो है वो टोटल क्वांटिटी है जिसको कि कंज्यूम किया जा सकता है मार्केट में, ओके जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ये तब कंडीशन है जब फॉरेन ट्रेड नहीं है या फ्री ट्रेड नहीं है। अगर फ्री ट्रेड होता है तो ये तो प्राइस जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में है, लेकिन फॉरेन मार्केट में जो इसी गुड्स की प्राइस है, मान लीजिए 50 रुपये पर प्राइस है फॉरेन मार्केट में, यानी कि फॉरेन मार्केट में प्राइस जो है अगर वो इम्पोर्ट कर ली जाती है, तो डेफिनेटली 50 रुपये पर जब आप कोई गुड्स खरीदोगे तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए डिमांड बढ़कर हो गई है 150 यूनिट डिमांड हो गई। लेकिन अब जो डोमेस्टिक मार्केट में जो व्यक्ति है वो 100 रुपये पर सप्लाई तो नहीं दे पा रहा है, 100 रुपये पर तो सप्लाई दे पा रहा था सॉरी, लेकिन 50 रुपये में तो सप्लाई नहीं दे सकता। तो 50 रुपये में मान लीजिए वो केवल 50 गुड्स का ही सप्लाई कर पाता है, यानी कि जो डोमेस्टिक डिमांड है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए, जो डोमेस्टिक डिमांड है, ठीक है, वो डोमेस्टिक डिमांड हमारी है टोटल मिलाकर 150, और जो डोमेस्टिक सप्लाई हमारी केवल 50 है जिस डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि प्राइस फॉरेन में 50 रुपीज पर जितनी चाहे गुड्स अवेलेबल है। इस केस में जो हमारा इंपोर्ट है वो 100 यूनिट इंपोर्ट की जा रही है, ओके बच्चों। अब मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है। टैक्स कैसे लगाती है, देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, 20 रुपीज का या 25 का टैक्स लगा देती है। सपोज कीजिए, चलिए मैं यहां से दिखा देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, PF+T, ठीक है, यानी कि ये 75 हो गया। तो ये जो प्राइस है ये टैक्स के बाद है, यानी कि टैक्स लगने के बाद आप एक लाइन खींच लीजिए, ये वाली जो प्राइस है ये फिक्स हो गई मार्केट में 75 रुपीज, ओके जी। अब जब प्राइस 75 हो गई, यानी कि अब जो गुड्स है विदेशियों के लिए वो अब 75 रुपीज में आपको मिलेगी, ठीक है, यानी कि अब क्योंकि 25 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा ना, और डोमेस्टिक गुड्स पे मान लीजिए टैक्स नहीं है तो उसको भी 75 रुपये की ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपीज में कोई खरीदेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली इस केस में अब आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, अब जो हमारा जो इंपोर्ट है, अब जो टोटल जो डिमांड है वो घटकर मान लीजिए 120 लिख लेता हूं मैं यहां पे, 120, ठीक है, और जो सप्लाई है वो बढ़कर कितनी हो गई, 80 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कितनी हो गई, डोमेस्टिक डिमांड हमारी अब है 120, 120 की डोमेस्टिक डिमांड है, जबकि डोमेस्टिक सप्लाई जो है, यानी कि हमारा देश की जो उत्पादन है वो 50 से बढ़कर 80 हो गया है, यानी कि अब जो केवल है वो 40 का इंपोर्ट किया जाता है,
ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं 40 इंपोर्ट है और गवर्नमेंट हर चीज पे 25 रुपए का टैक्स लगाती है, तो इसका मतलब अगर हम इससे 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब यह हुआ कि अब 1000 रुपए की गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो गई है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है बच्चों, यानी कि ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पहले जो 50 और 150 के बीच का जो डिफरेंस था वो इंपोर्ट था, टैरिफ लगने के बाद ये जो इंपोर्ट है ये घटकर कितना हो गया, 80 रुपए का, 40 का रह गया, और जो ओवरऑल है गवर्नमेंट को अब 1000 रुपए की रेवेन्यू भी होने लगी। अब हम ओवरऑल इफेक्ट क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको साइड में भी दिखा हुआ है, बुक में मैंने आपको डाल दिया है और साथ ही साथ कुछ पेजेस के थ्रू भी कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, यानी एक्सपोर्ट तो विदेशी कर रहे थे, हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो जो टोटल वॉल्यूम है अब पहले 100 था, 100 से घटकर अब आप देख पा रहे होंगे 40 रह गया, यानी कि 100 से कितना रह गया, 40 टोटल वॉल्यूम रह गया, पहले 100 वॉल्यूम था जो इंपोर्ट किया जा रहा था, अब केवल 40 यूनिट रह गया, यानी कि डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो आपकी बुक में लिखा है वो भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, टैरिफ बैरियर क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रेड, यानी कि एक तरीके से रुकावट क्रिएट कर देता है टैरिफ, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड देयरफॉर द ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे बच्चों ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर टैरिफ लगाते हैं तो टैरिफ लगाने के बाद जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, यानी कि टोटल वैल्यू में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो घटेगा और इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझाने की पहले पॉइंट में कोशिश की जा रही है। दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। बच्चों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तभी आप समझ पाओगे कि लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या है। देखिए कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है व्हाट ही विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। तो मान लीजिए, चलिए सपोज कीजिए ये जो है लाइन, ये वाला लाइन, ये वाली दिस वन, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस था पहले। ठीक है, यानी कि मैं अगर नाम वैसे बताने की जरूरत नहीं है पर आपको मैं एक बोलूं तो ए, और यहां से अगर मैं लिख दूं बी और ये लिख दूं सी, तो पहले कंज्यूमर सरप्लस था वो ए बी सी के बराबर था, क्योंकि विलिंग टू पे जो है वो ज्यादा है और एक्चुअल में जो पे कर रहा है वो कम है। लेकिन बाद में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये वाला इलाका रह गया, ए ये वाला और दिस वन। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल कंज्यूमर सरप्लस में कमी दो वजह से आई। पहला, अब कंज्यूमर को उतनी गुड्स खरीदने के लिए या कम गुड्स, सॉरी, अब कंज्यूमर को उतनी गुड्स खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, डेफिनेटली ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले वो टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था, अब टैक्स पे करना पड़ेगा तो डेफिनेटली ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो कम क्वांटिटी बाय पड़ेगा, यानी कि एक तो उसको ज्यादा प्राइस भी देना पड़ा, दूसरा उसे कम क्वांटिटी मिली, तो ओवरऑल कंज्यूमर का इस पूरे के पूरे केस में लॉस हो जाएगा। यही आपके पॉइंट नंबर टू में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि इस केस में देखिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि आपने क्या किया, जो विदेशों से सामान आप खरीद रहे थे उस पे टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपने क्या किया, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया, कैसे सब्स्टिट्यूट किया, टू द प्रोटेक्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो पहले कितना इंपोर्ट हो रहा था, 100 हो रहा था, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री कितना आउटपुट कर पा रही थी, केवल 50 आउटपुट कर पा रही थी। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री कितना आउटपुट कर पा रही है, 100 out 80 आउटपुट कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसमें आपने एक तरीके से ट्रेड प्रोटेक्ट, टैरिफ प्रोटेक्शन लगा दिया है। अगला जो पॉइंट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है, उसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी वेलबींग इसमें बढ़ी हुई है। क्यों वृद्धि हुई है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल अगर इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखोगे तो जो प्रोड्यूसर है उसका आउटपुट बढ़ रहा है। प्रोड्यूसर का आउटपुट बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि प्रोड्यूसर, अगर इम्पोज लगाया जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर, यानी कि जो विदेशों से गुड्स खरीदी है उस पर टैरिफ लगाया जाता है, तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर है उसकी वेलबींगनेस में वृद्धि होगी, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा सामान वो बेच पाएगा। ये बताने की पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों इस पूरे के पूरे पॉइंट में। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फाइव, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे क्या होगा, आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो आउटपुट था पहले, जो फर्म 50 का आउटपुट कर पा रही थी, अब वो 80 का आउटपुट कर पा रही है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए टैरिफ जो है वो और ज़्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, और ज़्यादा टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि अगर गवर्नमेंट 50 रुपये ही प्राइस बढ़ा देती है तो उसे कोई टैक्स नहीं मिलेगा, मतलब टैक्स बढ़ाने की भी लिमिट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर 50 रुपये का टैक्स लेगी तो सारा सामान डोमेस्टिक इंडस्ट्री पैदा कर देगी। इसके अलावा बच्चों इंकरेज इनएफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इनएफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है वो कंपिटेटिव मार्केट में नहीं रह पाएगा। भाई देखिए, अगर मान लीजिए विदेशी अपना सामान 50 रुपये में बेच रहा है तो भारतीय उद्योग, अगर हम भारत की संदर्भ में बात करें तो उनको भी कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, अपनी कॉस्ट को कट करना, ताकि वो भी 50 रुपये में सामान प्रोवाइड करा सकें।
लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्टेड कर रही है तो इसलिए उनकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी नहीं मिलेगी जितनी उनको मिल सकती। तो ये भी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, वो तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया था कि जैसे 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 ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, क्योंकि गवर्नमेंट की पहले कोई रेवेन्यू हो नहीं रही थी, अब गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो रही है। अब चाहे तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए खर्च कर सकती है या किसी भी चीज़ के लिए खर्च कर सकती है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको ये सारे के सारे टैरिफ के मतलब बताए थे। हालांकि अगर आप इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखते तो इसमें हम बहुत सारे इफेक्ट और भी बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, वो खैर आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए मैंने आपको कराया नहीं। तो जो आपकी बुक है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप बच्चों को कोर्स करा रहा हूं। तो बच्चों ये सारा का सारा कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से कोर्स को बाय कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।